नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉलीवुड केसरी और मैं हूं आपके साथ एकता हूं। मैं लेकर आई हूं बॉलीवुड के कुछ लेटेस्ट अपडेट। बॉलीवुड के सांवरिया कहे जाने वाले रणवीर कपूर इन दिनों अपनी फिल्म शमशेरा की शूट में व्यस्त हैं। एक्टर आए दिन फिल्म की प्रमोशन करते हुए भी नजर आते रहते हैं। वहीं इस बात से तो सभी वाकिफ ही होंगे कि रणवीर ने इसी साल बॉलीवुड की खूबसूरत हसीना आलिया भट्ट के साथ शादी की। आलिया भट्ट के साथ शादी रचाई है जिसके बाद से दोनों ही कपल खूब सुर्खियां भी बटोर रहे हैं। वहीं शादी की ही खबरों के बीच रणवीर ने अब एक ऐसा बड़ा खुलासा कर दिया है जिसे सुनने के बाद आलिया सहित सभी को 440 वोल्ट का झटका तो जरूर ही लगेगा। तो क्या कहा है ऐसा रणवीर कपूर ने, जानते समझते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल आलिया रणवीर की पहली पत्नी नहीं है बल्कि कोई और है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, आलिया भट्ट रणवीर कपूर की पहली पत्नी नहीं है और ये खुलासा खुद रणवीर ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में किया है। उन्होंने ये बताया है कि वह अभी तक अपनी पहली पत्नी से नहीं मिले हैं और उम्मीद करते हैं कि मैं जल्द ही उनसे मिल भी लूंगा। दरअसल एक्टर ने एक इंटरव्यू में कहा कि मेरे बंगले के बाहर एक लड़की आई थी और मैं उनसे कभी नहीं मिला था, लेकिन मेरे वॉचमैन ने मुझे बताया कि वह एक पंडित के साथ आई थी और मेरे गेट से शादी कर ली थी। वहीं गेट पर टीका लगा हुआ था और कुछ फूल भी लगे हुए थे। ये बहुत अजीब था। मैं अभी तक अपनी पहली पत्नी से नहीं मिला हूं, तो उम्मीद करता हूं कि मैं आपसे किसी पॉइंट पर जल्द ही टकराऊंगा। वैसे रणवीर की पर्सनल लाइफ के बारे में तो हमने बात कर ली, वहीं एक्टर की अगर प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो वो जल्द ही शमशेरा में नजर आने वाले हैं। वहीं हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था जिसमें रणवीर के किरदार को लोग काफी पसंद भी कर रहे थे। ये फिल्म 22 जुलाई 2022 को सिनेमाघरों में ये फिल्म रिलीज होने वाली है। इसमें संजय दत्त और वाणी कपूर भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आने वाले हैं। वहीं रणवीर की अगली फिल्म ब्रह्मास्त्र भी 9 सितंबर 2022 को रिलीज के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इसमें वह अपनी पत्नी आलिया के साथ नजर आएंगे। वेल, आप रणवीर को एक बार फिर से पर्दे पर देखने के लिए कितने एक्साइटेड है ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वेल, अभी के इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं एकता त्रिपाठी पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आप हमारे वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें और अगर आप हमारे वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।